नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में, और हरियाणा में भी क्या, हरियाणा के इतिहास के बारे में, जिसको पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यानी कि आपकी बेसिक नॉलेज है, बेसिक समझ है, बेसिक पढ़ने का तौर तरीका है आपका। तो यानी कि उम्मीद करते हैं आपको जो यहाँ पर करवाया जाएगा उसमें आपको कुछ न कुछ नया अवश्य देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आइए अब स्टार्ट करते हैं हरियाणा का इतिहास। यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा के बारे में जब आप पढ़ोगे तो हरियाणा का सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास के बाद यानी कि फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर हरियाणा का पॉलिटिकल पार्ट है, फिर जियो वाला पार्ट है, और फिर आपका जो इको वाला पार्ट है यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक ढांचा है, या फिर आपका मान के चलो कृषि वाला है, पशुपालन वाला है, विविध हैं, या फिर ये मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, या फिर आपका विद्युत है, संचार व्यवस्था है, NH हाईवे है, यानी कि हरियाणा में इन सभी को आपने पढ़ना है। बट सबसे पहले आपको हरियाणा में क्या पढ़ना है, हरियाणा में आपने पढ़ना है यानी कि हरियाणा का इतिहास, जहां से सबसे अधिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा का जो इतिहास है उसको पढ़ोगे जब आप, तो पहले आपको पढ़ना है नामकरण, यानी कि हरियाणा का नामकरण, यानी कि सबसे पहले आपको हरियाणा का नामकरण पढ़ना है। यानी कि हरियाणा का नाम हरियाणा ही क्यों पड़ा, जो वेद हैं, महापुराण है, पुराण है, महाकाव्य हैं, उनमें हरियाणा का क्या नाम है, उसका अर्थ क्या है। तो पहले आपने हरियाणा का नामकरण और हरियाणा के बारे में जो बेसिक जानकारी है, कब गठन हुआ, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, भारत में स्थान कौन सा है, या फिर आपके राज्यपाल कौन से, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, कितनी विधानसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है, उसके बाद यानी कि आपको पढ़ना है यानी कि इतिहास का पहला जो चैप्टर है वो यानी कि पाषाण काल। अब यानी कि पहले आपने हरियाणा का नामकरण पढ़ना है, फिर आपने पूरा का पूरा जो पाषाण काल है वो पढ़ना है, और इसमें आपको यानी कि नवपाषाण को पढ़ना है। नवपाषाण यानी कि पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका मध्य, पहला है आपका यानी कि पूरा पाषाण काल, सेकंड है आपका यानी कि मध्य पाषाण काल, यानी कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल मीन्स यानी कि पूरा का पूरा जो पत्थरों का काल है, यानी कि जब आदि मानव पत्थरों के मकान में रहता था, पत्थर के जो पत्थर है, पत्थर के बर्तनों को यूज़ करता था, तो यानी कि पत्थर के ही औजार बनाता था, हथियार बनाता था, और पत्थर के औजारों से ही यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनसे अपनी रक्षा करता था। तो यानी कि जो पत्थरों का काल था पूरा का पूरा, उसको बोला गया है पाषाण काल। और इसके भाग कितने हैं, तीन, पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर आपका नव पाषाण। अब यानी कि जो पूरा पाषाण काल है इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका यानी कि निमन पूरा पाषाण काल, सेकंड है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। यानी कि जो पाषाण काल है उसके बाद जो आपने पढ़ना है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के साथ आपने एक सभ्यता और पढ़नी है जिसका नाम है सीसवाल सभ्यता, जिसकी खुदाई कहाँ पे हुई थी, हिसार में हुई थी। और यानी कि जो सीसवाल सभ्यता है, सीसवाल सभ्यता कृषक सभ्यता है,
कृषि युगीन सभ्यता है, कृषक सभ्यता है, और जो यहाँ पे प्रतिनिधि रहते हैं यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसी का एक पार्ट है सीसवाल सभ्यता। इसको आधे ऐतिहासिक युग की माना गया है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरह जो सीसवाल सभ्यता है आधे ऐतिहासिक काल की है। और यहाँ पे जो प्रतिनिधि रहते हैं, जो यहाँ के लोग थे, वो क्या है, किस प्रजाति के हैं, वो हैं आपके निग्रो ऑस्ट्रेलाइट, यानी कि जो लोग थे यहाँ के वो निग्रो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के थे। आधे ऐतिहासिक काल का इसको माना जाता है, कृषक सभ्यता है, दूध का प्रचलन भी यहीं से हुआ था ऐसा माना जाता है। और जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं उनके निमन में जो कालका पिंजोरवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पे इस सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, पुरापाषाण के अवशेष देखने को मिलते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, और किसके नेतृत्व में की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। और ये क्या है, यानी कि यहाँ इस सभ्यता का व्यापार बड़ा ज़बरदस्त था। जो व्यापार था हड़प्पा सभ्यता का वो क्या था, ज़बरदस्त था। और पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता आपकी कौन सी थी, वो थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें कोई बाह्य आडंबर नहीं था, इसको किसी राजा के द्वारा नहीं बसाया गया था, या फिर ये मानो कि वे एक बढ़िया तरीके से अनुशासन प्रिय सभ्यता थी। और जो इसका व्यवसाय था यानी कि वो व्यापारी वर्ग पणी वर्ग के हाथों में था, तो पहली नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ से आपका जो कल्चरल फॉर्म है, कल्चर फॉर्म है, वो कहाँ से डेवलप हुआ है, वो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से डेवलप हुआ है। जैसे पुरुष हैं स्त्री हैं दोनों क्या है, श्रृंगार करते हैं, पुरुष पगड़ी बांधता है, स्त्री साड़ी बांधती है, माता आपकी बिंदी लगाती है, मांग में सिंदूर डालती है। तो ये सभी का साक्ष्य है, यानी कि कहाँ से मिलता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलता है। और हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है यानी कि यहीं से आपका अगर पूछे मूर्ति पूजा की सबसे पहले शुरुआत, मूर्ति पूजा की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो माना जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। यानी कि इस प्रकार आपको हड़प्पा सभ्यता और जो आपका सीसवाल सभ्यता है इन दोनों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद यानी कि आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है आपने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा, हरियाणा में प्रमुख जो स्थल हैं उनके बारे में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सीसवाल जो सभ्यता है इसके बीच में एक ताम्रपाषाणिक सभ्यता आती है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं जैसे राखीगढ़ी है, बनवाली है, और आपका कुणाल है, मित्ताथल है, यानी कि आपका बाड़ू है, और भिड़ाना है, दक्षखेड़ा है, तो यानी कि सारे के सारे जो स्थल हैं जो हरियाणा में सिचुएटेड हैं इनकी खुदाई किसने की, यहाँ की विशेषता क्या क्या है, खुदाई में क्या क्या मिला है, आप उनसे क्या अनुमान लगाते हैं, अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका क्या अनुमान है इनके बारे में, कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो यानी कि इन सभी के बारे में क्या करना है आपने पढ़ना है। जस्ट आपको हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपने वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता यानी कि जो वैदिक सभ्यता है यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मानव का कायाकल्प होता है। और यहाँ पे क्या है, आपको जो ये वर्ग है ब्राह्मण वर्ग का उदय होगा, समाज में आपको निरंतर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो टैक्स सिस्टम है कर प्रणाली है यहीं से डेवलप होगी, जो राजा का संविधान है यहीं से बनेगा, और यहीं से क्या है आपके स्टेट बनना आरंभ होंगे, यानी कि यहीं से क्या है आपके स्टेट बनना आरंभ होंगे। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1500 से 600 BC।
जो आपका वैदिक सभ्यता है, वेद है, ब्राह्मण है, अर्णक है, उपनिषद है, या फिर छांदोग्य है, जैमिनीय है, शतपथ है, वामन है, या फिर आपका नुकुल दिग्विजय है, या फिर महाभारत है, या फिर आपका रामायण है, साहित्यिक स्रोत है, ब्राह्मण स्रोत है, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत है, यानी कि ये सारे के सारे आपके कहाँ आएंगे, ये आएंगे वैदिक सभ्यता में। अब जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक सभ्यता, यानी कि इसको बोला जाता है ऋग्वैदिक सभ्यता, और यहाँ पे बोला गया है उत्तर वैदिक काल, यानी कि एक है आपका पूर्व वैदिक काल, सेकंड है आपका यानी कि उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1500 से 1000 BC, और जो आपका वैदिक सभ्यता है उसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1000 से 600 BC। यानी कि वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद, वैदिक सभ्यता की स्थापना किसके द्वारा हुई है? आर्यों के द्वारा हुई है। और यानी कि अभी राखी गढ़ी 2014 बसंत सिंधे दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर है पुन्ना के अंदर, तो उन्होंने मतलब जो खुदाई की राखी गढ़ी की, वहाँ से जो DNA किया गया कंकालों का, तो एक बात मतलब सामने निकल के आई है कि भाई जो आर्य हैं वो भारत के ही निवासी थे। और यानी कि इस वैदिक सभ्यता को किसके द्वारा बसाया गया है? आर्यों के द्वारा बसाया गया है। जो वैदिक सभ्यता है एक श्रुति साहित्य है। क्या है? एक श्रुति साहित्य है, यानी कि जो भगवान है उस भगवान से सुनकर ही वर्मा ने इसको प्राप्त किया है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे से सुन के ये क्या हुई है, आगे परिवर्तित हुई है, बाद में इसको लिखा गया है। यानी कि जो आपकी वैदिक सभ्यता है उसके बाद आपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपने पुरु और कुरु वंश, पुरु और कुरु वंश आपने पढ़ना है, यानी कि पुरु वंश, कुरु वंश, कुरु वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यानी कि जैसे आपने इंडिया का इतिहास पढ़ा, भारत का इतिहास पढ़ा, चीज़ें यहाँ पे भी जो कि त्यों चल रही है और वहाँ पे भी मतलब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, वहाँ पे आपने भारत के बारे में पढ़ना है, यहाँ सिर्फ आपने हरियाणा के बारे में पढ़ना है, और ये क्या है, ये हरियाणा है, ठीक है। तो यानी कि पुरु और कुरु वंश इसके बारे में पढ़ना है, और जब ये यानी कि जो वैदिक सभ्यता है उसके जस्ट बाद क्या होता है, यानी कि जो शासन की इकाइयां थी, कुल है, ग्राम है, जन है, राष्ट्र है, यानी कि जो जन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इकाइयां हैं कुल, ग्राम, जन और राष्ट्र, यानी कि इस जन से क्या बना आपका जनपद बना, और इस जनपद से क्या बना महाजनपद बना। अब जाहिर सी बात है जहां स्टेट होंगे वहां स्ट्रगल होंगे, और इसी प्रकार जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था आपका, वो था मगध महाजनपद, और इसकी राजधानी थी राजगृह और गिरिव्रज। यानी कि जो मगध महाजनपद है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और हाथी किसके काम में यूज होते थे, यानी कि युद्ध में, यानी कि उनका प्रयोग किया जाता था युद्ध के टाइम, वो उनका यानी कि प्रयोग किया जाता था। तो यानी कि इस मगध पे यानी कि आपके 7 वंशों ने राज किया, 7 वंशों ने, यानी कि जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो यानी कि यहाँ पे आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। पहला जो वंश है हरियक है, शिशुनाग है, नंद है, मौर्य है, शुंग है, कणव है, सातवाहन है। तो यानी कि अब मुख्य बात क्या है यहाँ पे, यानी कि जो वैदिक सभ्यता के बाद जो महाजनपद हुए थे, यानी कि ये इसका जो टाइम पीरियड था वो था 6 शताब्दी ईसा पूर्व, और इस 6 शताब्दी ईसा पूर्व को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। और द्वितीय नगरीकरण मीन्स यहाँ पे सबसे पहले लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ पे यूपी का एट्टा जिला और अंतरजी खेड़ा एक जगह है, अंतरजी खेड़ा, तो यहाँ पे सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले 1000 BC में लोहे के साक्ष्य मिले। अब आप अनुमान लगा सकते हो
यानी कि अगर लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, पत्थर के औजार हैं, मिट्टी को गहराई तक नहीं खोदा जा सकता, फिर यहाँ पे क्या है, तांबा धातु का प्रयोग करते हैं, तांबा से भी सख्त धातु कौन सी है आपकी, वो है लोहा, और लोहे से क्या होगा, यानी कि मिट्टी को गहराई तक खोदना आसान होगा, गहराई तक जब जुताई करोगे भूमि की, तो भूमि की जो उपजाऊपन है, फर्टिल है, मतलब जो उपजाऊपन है वो बढ़ेगा, और उपजाऊपन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, यानी कि अधिशेष उत्पादन होगा, और अधिशेष उत्पादन होगा तो क्या होगा, व्यापार और वाणिज्य होगा, वाणिज्य के बाद औद्योगिक इकाइयां आएंगी, और प्रशासन मजबूत होगा, यानी कि प्रशासन मजबूत होगा। तो अब यानी कि आपको क्या पढ़ना है, आपको यानी कि कुरु वंश और पुरु वंश पढ़ना है, और इनके बाद आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है महाभारत और रामायण, जो दो आपके काव्य थे, यानी कि एक जो महाकाव्य था आपका महाभारत, और हरियाणा का सबसे प्राचीनतम अगर महाकाव्य आपको पूछे तो रहेगा आपका महाभारत, और यानी कि एक आपने पढ़ना है रामायण। अब यहाँ पे जो प्राचीनतम महाकाव्य थे महाभारत और रामायण, इनके बारे में आपने पढ़ना है, किनों ने लिखा इनको, किस ऋषि ने लिखा, इनके अंदर किन बातों को शामिल किया गया है, इनका प्राचीन नाम क्या था, इसमें श्लोक कितने हैं, या फिर मान के चलो अध्याय कितने हैं, पर्व कितने हैं, इन सभी बातों को देखेंगे, यानी कि किसका जिक्र किसमें है, रामायण में किसका है, राम का है, महाभारत में किसका है, कौरवों का, पांडवों का है, उनका युद्ध होता है, यानी कि सारी की सारी बातें यहाँ पर जब महाभारत और रामायण का चैप्टर करोगे उसमें आपको पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करके दिखाया जाएगा। अब यानी कि महाभारत रामायण के बाद आपने क्या पढ़ना है, महाभारत रामायण के बाद आपने पढ़ना है यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा से जो मूर्तियां मिली हैं, जो अभिलेख मिले हैं, जो वास्तु अवशेष मिले हैं, जो टकसालें मिली हैं, जो सांचे मिले हैं, सिक्के ढालने के कारखाने मिले हैं, उन सभी के बारे में आप पढ़ोगे, यानी कि हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा से संबंधित जितने भी वास्तु अवशेष हैं, वास्तु अवशेष, वो वास्तु अवशेष यानी कि कोई मोहर हो सकती है, कोई मृदभांड हो सकता है, या फिर कोई पुस्तक हो सकती है, या फिर ताम्र पत्थर हो सकता है, या कोई फलक हो सकता है, यानी कि हरियाणा से संबंधित वास्तु अवशेष यानी कि अभिलेख, अभिलेख और मूर्तियां और टकसाल, टकसाल जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, टकसालें, यानी कि इनके बारे में आपने पढ़ना है। अब यानी कि अगर अभिलेख की मैं बात करूं, अभिलेख हरियाणा से 5 श्रेणियों के अंदर 37 अभिलेख मिले हैं, सबसे पुराना जो अभिलेख है आपका, सबसे प्राचीन, वो है आपका अशोक का अभिलेख, जिसका नाम है टोपड़ा अभिलेख। जो टोपड़ा अभिलेख है, जो टोपड़ा अभिलेख है, उसको पहले अम्बाड़ा में स्थापित किया गया था, बाद में आपका यानी कि यमुनानगर में स्थापित किया गया, और बाद में उसको जो तुगलक डायनेस्टी का फिरोज शाह तुगलक शासक था उसके द्वारा दिल्ली ले जाकर रख दिया गया, दिल्ली ले जाया गया। और जो ये टोपड़ा अभिलेख है, काफ़ी बार पूछा गया, इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी, जो भाषा है वो है प्राकृत। यानी कि अब इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, इसके बाद आपने पढ़ना है जैन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म। जैसे आपने जो इंडिया हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, वहाँ पे भी आपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, अलवार, नैनार, ये सब के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी आपको उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो जैन धर्म है, इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, 23वें थे पार्श्वनाथ, और जो आपके 24वें इसके संस्थापक माने जाते हैं वो हैं महावीर। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो यानी कि संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज इसको कहा गया है, जो इनका नाम था वो था सिद्धार्थ। और यानी कि अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद
यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद आपने जो चीज़ें पढ़नी हैं वो है आपका यानी कि मौर्य काल। मौर्य काल, अब जो मौर्य काल है यानी कि जो आपका नंद वंश था, यानी कि यहाँ एक बार फिर वो लेते हैं आप, पहला हर्यक था, फिर आपका शिशुनाग था, शिशुनाग, फिर आपका नंद था और फिर आपका मौर्य। नंद वंश के बाद यानी कि किस वंश की स्थापना होती है? मौर्य। अब जो यानी कि मगध था, मगध के ऊपर मैंने पहले ही बताया सात डायनेस्टी ने राज किया। जो यानी कि हर्यक है उसको पितृहंता वंश बोला गया है, यानी कि बिंबिसार इसका पहला शासक था, शिशुनाग का शिशुनाग था, नंद का महापद्म नंद था, अंतिम शासक घनानंद था। तो आपने अब नंद वंश को देखना है, इसका अंतिम शासक था घनानंद। अब जो टाइम था घनानंद, ये दुराचारी शासक था, इसको खजाना भरने की लगी रहती थी, तो मानना भी गया गंगा नदी में इसने 80,000 टन सोना या मुद्राएं या फिर खजाना छिपा के रखा हुआ था। तो घनानंद के टाइम में यानी कि क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो 326 BC में सिकंदर का अटैक होता है, सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब होता है, तो भारत पर आप बता सकते हो 326 BC में सिकंदर का अटैक होता है। और एक क्या हुआ था यहाँ पे, यानी कि इसके साम्राज्य में कौन थे, वो थे चाणक्य, और चाणक्य का अपमान किसके द्वारा किया गया था, घनानंद के द्वारा। तो इन्होंने कहा था यानी कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तेरे वंश का समूल पतन ना कर दूं, यानी कि चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है या फिर चाणक्य है, और यानी कि इसका मूल नाम क्या है, अजय है, और ऐसा माना जाता है हरियाणा के कोहांड हरियाणा के कोहांड में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा के कोहांड में इनका जन्म हुआ था। तो यानी कि अब जो नंद वंश है, नंद वंश में यानी कि जो चाणक्य है, चाणक्य जाता है विंध्याचल की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में जाने के बाद उसको मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक लड़का जो राजकिलम का खेल खेल रहा होता है। तो उसने उसको 1000 मुद्राओं में खरीद लिया, 1000 मुद्राओं में खरीदने के बाद उसने उसको भेज दिया तक्षशिला। जब तक्षशिला भेज दिया तो वहाँ से उसने युद्ध की शिक्षा ग्रहण की और जो अन्य शिक्षा थी संस्कृति से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड, वो ग्रहण करने के बाद उसने अटैक किया मगध पे, यानी कि फिर उसने किस मौर्य काल यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की, यानी कि किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने मौर्य वंश की नींव रखी। और इस वंश का यानी कि जब मौर्य काल आप पढ़ोगे तो मौर्य काल में क्या है, जब सिकंदर का अटैक होता है तो राजनीतिक स्थिरीकरण आएगा, और जब आप क्या पढ़ोगे, मौर्य काल पढ़ोगे, मौर्य वंश पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या है आपको भारत का राजनीतिक एकीकरण देखने को मिलेगा, राजनीतिक एकीकरण देखने को मिलेगा। अब जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश में आपने सिर्फ जो पढ़ना है वो पढ़ना है अशोक हरियाणा में, यानी कि अगर आप हरियाणा का इतिहास पढ़ रहे हो तो हरियाणा में यानी कि जो इसका महान शासक था, जो महान शासक था वो था आपका अशोक, और अशोक के बारे में आपने पढ़ना है, महान शासक था अशोक, इसके बारे में पढ़ना है। अब यानी कि जो मौर्य काल है, भारत की बात करो, हरियाणा की बात करो, हरियाणा में छोटे छोटे गणराज्यों का उदय होता है, और जो भारत है वहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियाँ आती हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो भारत पे अधिकार करना चाहती हैं। जो हरियाणा में ये आए थे, गणराज्य आए थे, वो हरियाणा को अपने अधीन करना चाहते हैं, वहाँ पे यानी कि अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो यानी कि भारत में आए थे, आपका पहला आया था हिंद यवन, उसके बाद आए थे आपके यानी कि पार्थियन, और उसके बाद आए थे आपके शक, और उसके बाद आए थे आपके कुषाण। अब जो हिंद है इनको इंडो ग्रीक भी बोला गया है, इनको पहलव बोला गया है, इनको सीथियन बोला गया है, इनको यूची तोखरी तोखरी वंश का बोला गया है। तो यानी कि इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी भारत पे अपना अधिकार करना चाहती थी मौर्य काल के टाइम पे, इन क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था। उसी प्रकार हरियाणा में छोटे छोटे जो गणराज्य हैं वो अस्तित्व में आते हैं, छोटे छोटे गणराज्य, यानी कि आपका क्या था, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है उन गणराज्यों में से भी, यानी कि वो है आपका पहला है
अर्जुन यान, अर्जुन नायन, फिर है आपका कुणिद, फिर है आपका योध्या और फिर है आपका अगर। यानी कि ये गणराज्य हैं, इनके बारे में आपने पढ़ना है। अब जो ये गणराज्य हैं, यानी कि योद्धों को युद्ध प्रेमी बोला गया है, युद्ध प्रेमी बोला गया है योद्धों को, और इनका वर्णन पाणिनि की अष्टाध्याय में भी मिलता है। और इनकी जो टकसाले हैं, यानी कि सिक्का ढालने का जो सांचा है, वो मिला है रोहतक सुनेत पटियाला से। और एक बार यहाँ से योद्धों कालों के योद्धों के जो सिक्के हैं कहाँ से मिले हैं, यूजीसी नेट में भी एग्जाम में प्रश्न आया था, तो कहाँ से मिले हैं, रोहतक सुनेत और पटियाला से इनके यानी कि सिक्के मिले हैं। अगर पूछ ले कि भाई जो योद्धा है, योद्धा की जो सिक्के हैं कहाँ ढाले जाते थे, जो टकसाले मिली हैं वो टकसाले मिली हैं आपकी नौरंगाबाद प्रकृतनाक भिवाणी से। तो यानी कि अब छोटे छोटे गणराज्यों के बाद, अब जो छोटे छोटे गणराज्य हैं इनको, यानी कि जो गुप्त वंश का एक शासक है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसके द्वारा, विसेंट स्मिथ के द्वारा। हालांकि जो भारत का नेपोलियन है, यानी कि इसको संज्ञा देना, यानी कि कई इतिहासकार सार्थक नहीं मानते, क्योंकि ये क्या है, इसकी तोहिन है। क्योंकि जो सिकंदर है उसने काफ़ी लड़ाइयां हारी थी, बट सिकंदर जो आपका समुद्रगुप्त है, इसने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। सिकंदर युद्ध के मैदान में से भागा था, बट समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध के मैदान में से नहीं भागा था। तो यानी कि ये बाद की बातें हैं, जब भारत का इतिहास आप करोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ों को बताया जाएगा पूरे विस्तार से। तो यहाँ पे यानी कि छोटे छोटे जो गणराज्य हैं, छोटे छोटे गणराज्य, अर्जुनयान पढ़ना आपने, कुणिद पढ़ना है आपने, योद्धा पढ़ना है आपने, अगर पढ़ना है। अब यानी कि इसके बाद आपने पढ़ना है गुप्त साम्राज्य, इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। और गुप्त साम्राज्य में भी आपको एक शासक पढ़ना है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और यहीं पे एक शासक है यानी कि स्कंदगुप्त, और उसने क्या किया था, जो हूण है एक बर्बर यायावार कबीलाई जाती थी, उसका खात्मा किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। परंतु पूर्ण रूप से खात्मा किसने किया था, प्रभाकर वर्धन, यानी कि वर्धन वंश के राजा उत्तरोत्तर गुप्त काल में, यानी कि उसने खात्मा किया था। गुप्त काल के बाद आपने क्या पढ़ना है, गुप्त काल इसके बाद आपने पढ़ना है, वो पढ़ना है भी आपने गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। यानी कि इसमें आपको पढ़ना है वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, यानी कि ये पढ़ना है। और यहाँ पे भी आपने पढ़ना है प्रभाकर वर्धन, यशोवर्धन, आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, ग्रहवर्मन, संशाक और राज्यश्री, और यानी कि इनके बारे में पढ़ना है। तो यानी कि ये जो आपका डायग्राम बना है, ये आपका हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है केवल उसका है। और इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक शेप बनेगी, एक आकृति बनेगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक कर्म आपको पता चलेगा कि भाई आपने कैसे चीज़ों को एक कर्म में पढ़ना है। तो यानी कि अब इससे नेक्स्ट आप जाओगे तो जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल यानी कि प्राचीन इतिहास में और क्या पढ़ना है आपने, प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ना है जो ऋषि हैं हरियाणा के अंदर, ऋषि हैं उनसे जो संबंधित स्थल हैं, उनसे संबंधित जो स्थल हैं वो पढ़ने हैं, ऋषि मुनियों से संबंधित जो स्थल हैं, जगह हैं वो आपने पढ़ने हैं। जो दर्शक है, दर्शन है, दर्शन मीन्स कि वे जैसे महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा, आपका जो बादरायण है, मीमांसा है, योग है, सांख्या दर्शन है, ये किसने लिखे, सांख्या दर्शन कपिल ने लिखा, योग पतंजलि ने लिखा, उलुक कणाद ने लिखा, बादरायण उत्तरी मीमांसा जैमिनी ने लिखा। तो यानी कि इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ना है, ऋषि उनसे संबंधित स्थल और प्लस दर्शन और प्रवर्तक, प्रवर्तक ये आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, उसके बाद आपने पढ़ना है यानी कि जो आपका जो प्रमुख शहर हैं हरियाणा के, जो शहर हैं प्रमुख शहर, प्रमुख जो शहर हैं उनके जो प्राचीनतम नाम है, प्राचीनतम नाम थे, और जो नवीनतम नाम है उनके बारे में पढ़ना आपने, नवीनतम नाम है।
जैसे टोहाना है, टोहाना का प्राचीन नाम क्या था, तो सुवैण था। जींद का प्राचीन नाम क्या था, स्फिदो था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो प्रमुख शहर हैं, नगर हैं, उनके जो प्राचीनतम नाम है और नवीनतम नाम है वो पढ़ने हैं। और इसके जस्ट बाद आपने क्या पढ़ना है, इसके जस्ट बाद आपने पढ़ना है यानी कि जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं, महत्वपूर्ण जो युद्ध हैं प्राचीन भारत के, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, घटनाएं और जो उनकी तिथियां हैं वो है, तिथियां हैं वो आपने पढ़नी है। जैसे आपका 900 BC में महाभारत का युद्ध होता है, 606 में यानी कि हर्षवर्धन राजा बनता है, 606 में 647 में उसकी मृत्यु होती है। तो यानी कि इस प्रकार से वो आपने पढ़ना है। तो अब जो महत्वपूर्ण युद्ध है, इसके बाद आपका जो प्राचीन इतिहास है हरियाणा का वो पूरा होता है। और फिर आपने क्या पढ़ना है, यानी कि जो क्वेश्चन सीरीज है आपकी, क्वेश्चन सीरीज यानी कि जो आपका प्राचीन भारत के जितने भी टॉपिक है, इन सभी की आपकी क्वेश्चन सीरीज लगेगी, ताकि आपको और बढ़िया से जो पॉइंट रहते हैं वो कवर हो जाएँ, यानी कि क्लियर हो जाएँ। तो यानी कि उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। तो यानी कि दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो यानी कि पहले आपको पढ़ना है हरियाणा का नामकरण, फिर आपने पाषाण काल पढ़ना है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, निमन पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, ऊंच पूरा पाषाण, और फिर आपने पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, सीसवाल सभ्यता, और यानी कि फिर आपने पढ़ना है दयाराम सानी के बाद ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है हरियाणा में, फिर वैदिक सभ्यता, फिर पुरु और कुरु वंश आपने पढ़ना है, फिर आपने महाभारत और रामायण, फिर आपने हरियाणा से संबंधित वास्तु अवशेष और अभिलेख मूर्तियां टकसालें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, फिर आपका छोटे छोटे जो गणराज्य आए थे अर्जुनयान, कुणिद, योध्या और अगर गणराज्य अगरोहा में था, और फिर आपने गुप्त साम्राज्य गुप्तोत्तर काल, और इसमें भी आपने पढ़ना है वर्धन वंश, फिर आपने ऋषि और उनसे संबंधित स्थल वो पढ़ने हैं, फिर दर्शन और प्रवर्तक पढ़ने हैं, फिर प्रमुख शहर उनके प्राचीनतम नाम पढ़ने हैं, फिर महत्वपूर्ण युद्ध और महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी जो तिथियां वो पढ़ने हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो यानी कि जो HCS लेवल का है, सब इंस्पेक्टर है, हरियाणा पुलिस है, अदरवाइज कोई भी कम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम है हरियाणा का, तो इतिहास से आपका जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू, गुड लक।